देवरिया जिला को हुई ताजा घटनावा मार दी हले। हाँ देवरिया जिला को हुए ताजा घटनावा मार दी हले कि जनवा मार दी हले देख पापी बेईमानवा मार दी हले देख पापी बेईमानवा मार दी हले। प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर चलवाना चाहता है। अच्छा। प्रेम यादव की भी तो मौत हुई है, ये सही है कि गलत है आपकी निगाह में? अच्छा ये बतावा, एक तो वो तो चला गया जान से, वो तो कुछ देख ना कि हमारे घरे का हो तो का ना हो तो हमारे लड़का बच्चा के देखत बा के ना लखत बा ठीक। लेकिन यह तो बात है कि जब उनके घरे बुलडोजर चलवावा था तो उनका लड़का बच्चा जय ही कहाँ जाए। सही बात, यह तो देखक चाहिए। तो आज के बात है कि भला किसी का कर ना सके तो बुरा किसी का मत करना, कहे कि काल महाकाल ये बाबू काल महाकाल और कालाई पे सारी दुनिया कालाई महाकाल कालाई पे सारी दुनिया कालाई मा जातिक बेरिया क्यों नहीं जाने और हंस अकेला उड़ जाई भंवरवा के तोहरो संग जाई भंवरवा के तोहरा संग जा। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, देवरिया कांड की घटना की चर्चा पूरे देश प्रदेश में हो रही है। जिस तरह वहां घटना घटी 2 अक्टूबर को, उसमें जमकर राजनीति भी हो रही है। क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, हिंदू मुस्लिम हर जात धर्म के लोग इस घटना को जानना चाहते हैं। यहाँ जो प्रेम यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य की पहले हत्या होती है, बाद में भीड़ द्वारा जो है सतप्रकाश दुबे के परिवार के 5 लोगों की हत्या हो जाती है। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह चीज़ें काफ़ी तेज़ी से वायरल हुई। अच्छा, लोग जानना भी चाहते हैं इसमें रोज नया अपडेट क्या आ रहा है। ऐसे में शासन प्रशासन ने नापी कराकर उनके घर को गिराने का प्रयास किया है प्रेम यादव के, लेकिन हाईकोर्ट का जजमेंट भी आ गया, अब उनका मकान नहीं गिरेगा। ऐसे में सभी लोग अपनी राय दे रहे हैं। हमारे साथ वायरल कलाकार, लोकगीत कलाकार, कॉमेडियन कह सकते हैं, अजीत लाल यादव उर्फ नीरव भैया हैं, उन्हीं से हमारी चर्चा होगी। नीरव भैया, का हाल चाल बा? बस भैया सब बढ़िया बात है, आप सबका आशीर्वाद बा। और आपके चैनल पे जितना भैया लोग जुड़ा हुए सब देखत हुए, सब भैया से हाथ जोड़ के विनती पह लगी, आशीर्वाद चाहिए हमें। नीरव भैया आजकल का करत है, कहाँ है, दिखात ना है? आजकल जानत बा है कि है गाना बजाना चलता है, 9 दिन के नवरात्र माई जी के सोनो भक्ति चला है। एक बाद यही में अब धान सान कटत बाटे, यही में ट्रैक्टरों चलत बा, आलू लगाए जात बा, मेहरारू बाटे घरे अकेले। अच्छा, तो भैया हमहू के तो हाथ बटावे के चाहिए। एकदम एकदम एकदम। तो भैया यह कुल चलत बाटे, जियरा जिये तब आ घर घर पे। अच्छा, जैसे कि आप सब निरहू भाई किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, सब जानते हैं, 5 किलो राशन पे इतना गुमान गाकर वायरल हुए थे। निरहू भैया, एक मामला बहुत तेजी से चल रहा है इस समय देवरिया कांड में। एक घटना हुई 2 अक्टूबर को, जिसमें पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव की हत्या हो जाती है, बाद में भीड़ द्वारा 5 लोगों की हत्या हो जाती है। उसी पर हमारी आपकी चर्चा होगी और उस पर कुछ आपने गीत जो बनाया है उस पर गीत भी होगा। तो पहले ये चीज़ें हमको बताएं, कितना जानते हैं उसमें, कहाँ किसकी गलती आपको समझ में आती है इस घटना में? देखा बड़े भैया कि गलती की बात ये हुए कि कहा बा कि गैया तो गैये गए, चार हाथ पगा हो ले की गई। तो गलती की बात यह हुआ कि जो प्रेम यादव के जो है पहले वो लोग जो है मारत गए ना, कथा खातिर मारे का कारण रहा ओके तो हमें नहीं पता बा। गलती पहले ओके के हैं तो दूसर का गलती ये लोग के हैं कि एक जान के खातिर 5-5 जान और चला गया मंत है। तो भैया हो उनमें गलती न गलती, गलती तो भवई बाट है कि आजकल कि आदमी आदमी के देख के इतना जरद बहानी कल युग में ऐसा ना करे के चाहे कि हम तो ये जानी था कि सब भैया ये कान्हे से कान मिला करके चला और प्रेम का मतलब जिंदगी जिए, 4 दिन का जिंदगी में फिर अनहरिया रात हो। तो हम तो भैया लोगन से यही कहा बड़का भैया लोग के कि अपने अपने में बैर कौनो चीज़ के ना करे के चाहे। तो यही कुल बात बा, बड़का भाई हो आजकल देखा जान जाने पुधात बाटे। अच्छा, जमीनी विवाद का विवाद था वहाँ,
जमीनी विवाद पे लेके एक घटना हुई, तो ये जमीनी विवाद जब नहीं निपटता तो इसमें कौन दोषी है? प्रशासन के लोग दोषी हैं कि ये लोग हैं? विवाद निपटा देना चाहिए कि नहीं? जिसे आप थाने जाते हैं, तहसील जाते हैं, तो किसको आपके समझ में आ रहा है कहाँ गलती हुई विवाद में? कि देखा भैया, जमीन तो यहीं की ही रही गए, लेकिन इंसान ऐसे जो उठ के चला गया, फिर इंसान जल्दी यहीं यहीं के जानते हैं, मान सकने तो वही कहा बाटे भैया, तो जाए तो कुल चला जाए, नहीं तो एक बित्ता न जाए पाओ, वही निहात बा। तो जमीनी वाला मैटर है तो सरकार के मतलब देखे चाहिए ना, ओकर भैया सब कुछ जोन हो चाहे जेकर है ओकर मिले चाहिए, तो ई कुल हो चाहे भैया मार काट में कोनो मजा ना आए बैठे, तो हम यही कहा बड़का भाई हो ऐसा गलती ना करत जा भैया, लोगे बहुत बहुत गलती करत जात बा भैया। कोनो गीत को बनाए है पर आप जोन हो कई चैनल पे चला था देवरिया कांड पे, पहले ओके सुनाओ तो फिर आगे भाजा। ठीक बा, सुना अच्छा सुनाया दे भैया, बजाए दी क्या? बजाए दे, हमारा ढोल वाला ना आया है, जोन हमारे आए हम उतना बजाया लिए। और गीत का बोल बाए भैया हो, आ गीत यही है गाय रहीन रागनी विश्वकर्मा। अच्छा, गीत के रागनी विश्वकर्मा गाए हैं, वही गीतिया के लाइन में हमें कहे के पड़ा। क्या बात, कहे कि बीए कह के आइल बानी, कि बीए कह के आइल बानी, अरे माजी बरत नवा हे नदी, कहीं भी कहके आइल वानी माजी बरत नवा हे नदी, हमें धरा दिले बेलानवा हे नदी। यही गीत के लाइन में कहलवा, देवरिया जिला को हो ताजाई घटनावा मार दी हले, हाँ देवरिया जिला का हुए ताजाई घटनावा मार दी हले, कि जनवा मार दी हले, देख पापी बेईमानवा मार दी हले, देख पापी बेईमानवा मार दी हले, देवरिया जिला कहुए ताजाई घटनावा मार दी हले, जनवा मार दी हले, देख पापी बेईमानवा मार दी हले, देख पापी बेईमानवा मार दी हले, घोड़ा कल जुग देख बाबू चलताटे, देख चलता भयवा देख चलताटे, केहू ना केहू के अब देखता रे, अरे केहू ना ही केहू लेके, केहू ना ही केहू कुछ लेके जाई, सिरहानवा मार दी हले, खाली हाथ आई है तो खाली हाथ जाबा, ना कुछ लेके आई है तो ना कुछ लेके जाइबा, खाली प्यार प्यार से भैया लोग कंधा से कंधा मिला के चला, वही हम कहेंगे बड़का भैया हो, और मार झगड़ा में कोनो फायदा ना आएगा। कहल गई बा, ना कुछ लेके आई ले कुछ नहीं लेके, सिरहानवा की मार दी है ले, देख पापी बेईमानवा जनवा मार दी है ले, देख पापी दुश्मनवा जनवा मार दी है, देख पापी दुश्मनवा जनवा मार दी है ले। नीरव भैया, ये गाना जो बोल रहा एक मतलब का है बतावे दर्शकन के, आप बतावे का है भैया हो? एक मतलब यही हुए कि पहले कहे कि देखा कुछ लेके ना आया है ना कुछ लेके जाबे, हाँ मुट्ठी बांधे आए हाथ पसारे जाबे, तो यही प्यार आशीर्वाद मिला के कंधा से कंधा भैया लोग चलत जा, और इनमें यही भलाई बा, और ये महंगाई ऐसा चापे बाटे बड़का भैया के अपना से न छपाओ में भैया लोग से, यही हमारे कहा है। यानी एक मैसेज आप देना चाहते हैं गीत के माध्यम से, जो जगह जमीन है यही पड़ी रह जाएगी, और जिस तरह की जो घटना देवरिया जैसी घटना फिर न हो न हो। ये देखिए, इनके गाने का मतलब यही है कि देवरिया में जो घटना हुई ऐसी घटना फिर न हो, ये मैसेज भी देना चाहते हैं नीरव भैया।
नीरव भैया, इसमें एक सवाल और उठा है कि शासन प्रशासन, हाँ, वहाँ के एक स्थानीय विधायक जो है भाजपा के, वो घटना होती है तो दुबे परिवार के यहाँ जाते हैं, प्रेम यादव के घर नहीं जाते हैं, और वो सब जो है ब्राह्मण और यादव करना चाहते हैं, ये सही है कि नहीं है अपनी गांव में? मतलब वो ब्राह्मण और यादव बताना चाहते हैं कि ये लड़ाई यादव और ब्राह्मण की है, हाँ। मतलब जिससे वहाँ के जो विधायक हैं वो गए दुबे के यहाँ, यादव के यहाँ नहीं गए घटना होने पे, क्या उनको जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? पहला तो घटना तो वही हुआ, प्रेम यादव के यहाँ, वहाँ जाना चाहिए? अरे बिल्कुल जाना चाहिए, उनको जाना चाहिए था। हाँ जी, अच्छा अच्छा, ये लोग ये नेता जो हैं ये सब काहे जाति एंगल खोजते हैं कि यादव ब्राह्मण, ब्राह्मण यादव, काहे करे चाहते हैं? तू जितना समझ में, काहे करे चाहते हैं? अब देखा भैया हो, अब ये नेता वालन बात हम देखा, हम नेता होता था ही ना, हम नेता खाल जानी, लेकिन इतना जानी था कि नेता लोग जो एरव चलत हैं ओरव चलत हैं यही बड़ा तकलीफ होता है, ऐसे ना करे चाहे नेता लोगन के। हाँ, जो मतलब सही है तो उसको सही बोलना चाहिए, इना हुआ कि नहीं कि ये चीज गलत है, वो तो सही करी तो वो ऐसा गलती कभी ना करे चाहे, ऐसा गलती नेता लोग करत माहन। अब दिखाना चाहते हैं कि ये झगड़ा जो है यादव ब्राह्मण का है जी, हाँ, जबकि वहाँ जमीनी मामला था जी। अच्छा, अब शासन भी प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर चलवाना चाहता है। अच्छा। प्रेम यादव की भी तो मौत हुई है, ये सही है कि गलत है आपकी निगाह में? अच्छा ये बतावा, एक तो वो तो चला गया अनजान से, वो तो कुछ देख ना कि हमारे घरे का हो तो का ना हो, तो हमारे लड़का बच्चा के देखत बा के ना लखत बा, ठीक। लेकिन यह तो बात है कि जब उनके घरे बुलडोजर चलवावा था तो उनका लड़का बच्चा जाए ही कहाँ जाए? सही बात, यह तो देखे चाहिए। तो आज के बात है कि भला किसी का कर ना सके तो बुरा किसी का मत करना, और जिसके घर में रावण बैठा तो राम कहाँ से मैं लाऊं, वही निहार है भैया हो, कहें कि काल महाकाल, ये बाबू काल महाकाल, अब कालाई पे सारी दुनिया, कालाई महाकाल, कालाई पे सारी दुनिया, कालाई मा, हाँ कालाई पे सारी दुनिया हो, कालाई पे सारी दुनिया, कहीं काल महाकाल, कालाई पे सारी दुनिया, काल महाकाल, सुना ये भैया काल बाटे मेड़ राईला, गयल मेड़ राई बाबू गयल मेड़ राई, राजा हरिया चंद्रा बीकेन तीनों प्राणिया, कालई महाकाल, कालई पे सारी दुनिया, कालई महाकाल। उन्हों के ऊपर काल मेड़ रात रहा कि जौनी सम्मत, अरे यहाँ हरिश्चंद औरत लेके जो है लाश जो है रोहित के लेके आईल, कहले कि जो है स्वामी आपके लड़का के कीड़ा काट ले, ऐसा हो गई, और लास्ट में कार क्रिया इनकर करत कहा कुछ लेके आई हो, तो भैया हो काले सब कुछ करत है, भगवान परीक्षा लेन बारे अपने कलयुग देवता ऐसा ऐसा वाहन भैया का बताइए। तो एक नाते भैया हो ऐसा लोग ना करे चाहिए, देवरिया जिला के बहुत जान लिया कि जबरदस्त घटना ऐसा भैल बा के एकदम करेजा एकदम जान लिया कि एकदम उठा हो गई बा, एकदम हिल गया, छह लोगों की मौत हो गई, छह लोगों को सुना भैया, तो यही कुल बात बात ये भाई हो, केवल जमीन के खातिर? अरे खाली जमीन खातिर, कुल जमीन ही रह जाए, सब कुछ ही रह जाए, कुछ लेके ना आया है ना कुछ लेके जाए ही, कहें कि भंवरवा, अरे कि भंवरवा हके तोहरा संग जाई, भावरवा के तोहरा संग जाई, डेहरी पकड़ी के मेहर रोए, डेहरी पकड़ी के मेहर रोए, बाह पकड़ी सग भाई रे भाई, डेहरी पकड़ी के मेहर रोए, बाह पकड़ी सग भाई, माता जी
रोई बीच अंगनवा होला मोरे लाल कविदाई भवरवा के तोहरा संग जाई भवरवा के तोहरा संग जाई आवत के बेरिया सब के हो जाने ला आवत के बेरिया सब के हो जाने ला घर घर बाजे ला बधाई हो आवत के बेरिया सब के हो जाने घर घर बाजे ला बधाई जातिक बेरिया क्यों नहीं जाने और हंस अकेला उड़ जाई भवरवा के तोहरो संग जाई भवरवा के तोहरा संग जाई अकेला या अकेले जाबे चल बड़का भैया लो अब हम ये निरहू ने ये देवरिया कांड पे जिस तरह चर्चा की जो अपने गीत के माध्यम से गया ये गीत सुनने के बाद आदमी के अंदर से एक अलग फीलिंग होती है कि सच में यहाँ ही सब रह जाएगा और इन्होंने ये जो गीत बोला भंवरवा के तोहरा संग जाई तो जमीनी विवाद का जो देवरिया का मामला था निरहू भैया का साफ साफ कहना है कि ज़मीनें यहीं पड़ी रह जाएंगी शासन प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही दिखी और सरकार को भी किसी का घर नहीं गिराना चाहिए क्योंकि प्रेम यादव ऑलरेडी नहीं रहे अब उनके बच्चों के सर से साया भी उठ गया है। हाँ नेताओं को भी इस मामले में राजनीति नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार जय हिंद जय भारत। हमारो चैनल वक बोल दे अजीत लाल निरहुआ निरहुआ पलटूपुर कॉमेडी चैनल। देखिए निरहुआ भैया किसी परिचय के मोहताज मैंने पहले बताया है नहीं और लोग जानते हैं लेकिन हम आज भैया से जुड़ा है और भैया के साथ साथ हम कॉमेडी शूट करे जाए जो हम लंबे लंबे दौड़ी थे हमारे जिला हमारे एरिया के हाँ 10 किलोमीटर अंदर के हम सब भाई तो हम सब मिल के जो नो कॉमेडी शूट करते हैं। हमारे भैया बहन दो तीन जने और बहन भैया लोग भैया चैनल नाम कहा बस भैया आप सबके जितना श्रोता दर्शक देखत हैं सबके नमस्कार और आज भैया हमारे संग के शूट रहा तो भैया फोन आए कि आज इंटरव्यू निरहू भैया के लेखा तो हम सन अपने दुकान पे आए हैं और भैया के इंटरव्यू होता। भैया हमारे चैनल के नाम हो चंद्रा ऑफिशियल UP62 और आज बहुत बढ़िया शूट होता रहा कॉमेडी वीडियो और आप सब एक देखा और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो और चैनल के सब्सक्राइब करा। भैया नमस्कार भैया निरहू भैया जो ने चैनल से जुड़ा है भैया ओके आप लोग सर्च करें देखा। नमस्कार जय हिंद जय भारत।